बच्चों, तो अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 8 और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे उनकी वर्किंग होती है, कौन से फॉर्मूले हमको एग्जाम में यूज करने हैं, और किस तरह से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का लॉस होता है और उस एनर्जी के लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। यानी आज ट्रांसफॉर्मर अच्छे से हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, तैयार हो जाओ इस टॉपिक के लिए। निकाल लिया, शुरू करें। यस, माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो जल्दी से भाई हेडिंग लगाए, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, जैसा कि इसका नाम ट्रांसफॉर्म, किसी चीज को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। किसको? वोल्टेज को। या तो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करके बढ़ाएगा या तो ट्रांसफॉर्म करके घटाएगा, ठीक है? तो ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होना चाहिए, या तो किसी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा, और या तो किसी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब ये जो है लो से हाई, यानी ऊपर आना, इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप। और ये हाई से लो, यानी नीचे जाना, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? नोट करें, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेप अप वोल्टेज को अप किया, स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन किया। ट्रांसफॉर्मर आप सभी ने देख रखे हैं, गली नुक्कड़ पे लगे होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर जल गया, ट्रांसफॉर्मर बोल गया, वही होता है ट्रांसफॉर्मर। अब आपके जो गली नुक्कड़ में सड़क पे जो ट्रांसफॉर्मर रखा है वो स्टेप डाउन होता है, जो आपके घर के पास में होता है वो स्टेप डाउन होता है, है ना? हमारे घरों में जो वोल्टेज चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है, 220 वोल्ट, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है ना वो बहुत हाई वोल्टेज पे आ रही होती है। तो ये क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों में दे देते हैं, ठीक। स्टेप अप आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको पावर स्टेशन पे, जहां पे अल्टरनेटिंग करंट बनाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट बनाया और फिर उसको जब भेजा जाता है ना हमारे घरों की तरफ, तो बहुत हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। हाई वोल्टेज पे ना एनर्जी का लॉस कम होता है, ठीक है? ये पूरी अलग कहानी है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पे नहीं जा रहे, 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था ये। अभी ये बता रहे कि पावर स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, कि हमने बिजली बनाई, फिर उसको स्टेप अप किया, वोल्टेज बढ़ाया, फिर भेज दिया। अब इतना हाई वोल्टेज घर पे चाहिए नहीं, तो गली नुक्कड़ वाले ट्रांसफॉर्मर ने उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया और घरों में सप्लाई किया। बाकी बीच में बहुत सी कहानी है, ठीक है, कि इंडस्ट्री को भेजा है ना, इधर उधर भेजा, तो वो सब कहानी हम नहीं पढ़ रहे ट्रांसमिशन वाली। अभी हम यही बता रहे कि स्टेप अप लो से हाई, स्टेप डाउन हाई से लो। फिर बात आती है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल। तो इनका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, कि दो क्वाइल होते थे हमारे पास, एक क्वाइल में अगर करंट चेंज हुआ तो दूसरे में अपने आप करंट इंड्यूस होगा। अगर प्राइमरी में करंट ग्रो किया या प्राइमरी में करंट डिके किया तो अपने आप सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये है म्यूचुअल इंडक्शन। अभी अंदर वर्किंग देखेंगे तो और समझ में आएगा, अभी नोट करें। म्यूचुअल इंडक्शन, किसी एक क्वाइल में करंट चेंज करो तो बगल वाले क्वाइल में अपने आप करंट बन जाएगा। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखें। चलिए मिटा रहे इसे, बहुत बढ़िया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये बोर्ड में एक नंबर का सवाल आ सकता है। अब जरा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप एक कोर लोगे, कोर जिसमें सारा काम होना है, एक कोर मटेरियल। तो कोर मटेरियल मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का लिया जाता है, ये बन गया सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब इस तरफ से इस पे हम एक वायर लपेट देंगे, ये, और इस तरफ से भी इस पे एक वायर लपेट देंगे, ये। इसको हम बोल देंगे प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहां से हम वोल्टेज का इनपुट देंगे, यहां से हम इनपुट देंगे, वोल्टेज इनपुट। और इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलने वाला है, वोल्टेज का आउटपुट। ठीक है, दोनों में देखो नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, यही मेन खेल है। कभी इधर टर्न्स कम होंगे, कभी इधर टर्न्स कम होंगे, इस बार इधर कम है इधर ज्यादा, इसका उल्टा भी हो सकता। इसके अंदर जितने टर्न्स हैं उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और इसको हम बोलेंगे बोलो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन ऐसा ही दिखेगा ट्रांसफॉर्मर का, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ये जो हम वायर लिए हैं ये हम जनरली कॉपर का लेते हैं, किसका लेते हैं, कॉपर। ठीक है, ये भी कॉपर, इसकी हमने वाइंडिंग कर दी, उधर भी वाइंडिंग, बहुत टाइट वाइंडिंग की जाती है, आपने शायद कभी देखा हो घर के आसपास के ट्रांसफार्मर में बहुत टाइट वाइंडिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये काम कैसे करेगा। ठीक है, कैसे ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, तो आप कहानी सुनो। आपने यहां से एक इनपुट वोल्टेज दिया, यानी एक तरह से एक करंट दिया। अब इसमें करंट आया, क्या यह आपको कुछ कुछ सॉलेनोइड जैसा दिख रहा है, सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है। अच्छा, सोलेनॉइड में करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मान लो जनरेट हुई, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई कहीं पे अगर करंट होगा तो करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बना ली। सोलेनॉइड में आपने देखा था, सोलेनॉइड में आपने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना ली। अब सॉफ्ट आयरन का क्या रोल है, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से बाहर नहीं जाने देता, बल्कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने पास बुला लेता है। यानी ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी से निकली वो सब की सब सेकेंडरी में जाएंगी, सब की सब। थोड़ा सा एजम्पशन भी है, डेफिनेटली कुछ फील्ड लाइंस नहीं पहुंचेंगी, बट एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम अज्यूम करते हैं कि यहां करंट है, करंट से बनी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली वो सब की सब सेकेंडरी में पहुंची और वापस यहां आ गई। सॉफ्ट आयरन का रोल समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चिपका के रखना अपने अंदर, इधर उधर बाहर नहीं भागने देना। चलो यहां तक समझ में आया आपको। अब मुझे ये बताओ कि ये करंट कैसा है, कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। अगर करंट चेंज होगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। भाई अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आपको याद हो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद हो, इसी समझने के लिए बता रहे, तो वो होती थी म्यू नॉट एन आई, यही होती थी अलोंग द एक्सिस। अगर आई वैरी करेगा, अल्टरनेटिंग करंट आई की एक तो वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन, अगर आई वैरी करेगा तो बी भी वैरी करेगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनकर आ रही है, दिस इज अ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्स्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। चलो ये भी समझ में आया कि क्योंकि करंट चेंज होने वाला है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होने वाली है, जैसे जैसे करंट बदलता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी बदलती जाएगी।
अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर ये कॉइल्स हैं और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो क्या इसी चीज को हम फ्लक्स बोलते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही तो होता था। किसी लूप में से सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर का सभी किसी लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है और यहां पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स याद है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कैसे निकलता था, बी डॉट ए से। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और कॉइल्स का एरिया भी है, कॉइल का एरिया भी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही होगा। अब मुझे बताओ कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो भी वेरिएबल। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। वो क्यों वेरिएबल? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला करंट वेरिएबल, करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जिससे फ्लक्स चेंज होगा। अब आपने पढ़ रखा है फराडेस लॉ। फराडेस लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद अ कॉइल, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये पूरी कहानी है। कहानी समझ में आई? यहां पे हमने एक इनपुट वोल्टेज लगाया जो कि अल्टरनेटिंग है, देखो अल्टरनेटिंग का साइन बनाया है, यानी ये करंट लगातार चेंज हो रहा। जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहां का फ्लक्स भी लगातार चेंज होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम बात करें व्हाट इज द इंड्यूस्ड, पहले बात करते हैं फ्लक्स की, व्हाट इज द फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी के ईच टर्न में कितना फ्लक्स है, उसको हम मान लेते हैं फाइव। किसके एक टर्न में फाइव फ्लक्स है, जैसे यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो कितना फ्लक्स है, दो। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो हम बोल देंगे आप फ्लक्स की वैल्यू दो, ऐसे ही बोल दिया। अब मुझे बताओ कि सेकेंडरी के ईच टर्न में कितना फ्लक्स होगा, इतना ही या इससे ज्यादा? ये हम बोल दे रहे दोनों का एरिया सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं, एरिया सेम है। मुझे बताओ फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कितना होगा। भाई हमने पहले ही बोला सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली उतनी यहां से पास कराएगा, जितना एरिया इस लूप का उतना एरिया इस लूप का, यानी इसमें से भी एक टर्न में से फ्लक्स फाई ही होगा। क्लियर हो रहा है? इसके एक टर्न से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई और इसके एक टर्न में भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, टोटल फ्लक्स बराबर नहीं है। यहां देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां ज्यादा है, बट ईच कॉइल में जो फ्लक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फाई इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, और दोनों को हम अज्यूम कर लेते हैं फाई, कि इसके एक टर्न में से फाई फ्लक्स निकला और इसके एक टर्न में फाई फ्लक्स गया। अब आपसे हम पूछें कि प्राइमरी में टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, इसको हम बोल देते हैं फाई पी, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, एक टर्न से कितना निकला है फाई, कितने टर्न्स हैं एनपी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एनपी इंटू फाई, बोले सही है? एक टर्न से कितना फ्लक्स फाई, कितने टर्न्स एनपी, टोटल फ्लक्स एनपी फाई। अब आपसे हम पूछें व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी हमको चाहिए ई इन प्राइमरी, फराडेस लॉ बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डीटी, तो हम लिखेंगे माइनस डी फ्लक्स इन प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स इन प्राइमरी ये रखोगे, इसमें से ये तो कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न्स,
के तो बाहर आ जाएगा, माइनस एन बाहर आ गया है ना, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, माइनस एन पी बाहर आ गया, बचा क्या डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, इसको कहीं लिख लिया जाए, यहां लिख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, ये प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। नोट करें, नोट करें, नोट कर लिया, इसको मैं डाल रहा हूं। टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी फाइ एस, सेकेंडरी के एक कॉइल में कितना फ्लक्स है, जितना प्राइमरी में है फाइ, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन एस फाइ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, इसको बोल देते हैं ई एस, क्या हो जाएगा माइनस डी फाइ एस बाई डी टी, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब की बार क्या होगा माइनस एन एस बाहर डी फाइ बाई डी टी, तो यहां इसको भी लिख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी माइनस एन एस डी फाइ बाई डी टी। नोट करें, इसको मैं डाल लू, मैं अब पॉज करके नोट कर लें, कर लिया पॉज करके नोट, मिटा रहा हूं। ओके, अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ई एस बाई ई पी, मैंने डिवाइड किया इसमें से, ये ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी, ये फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। वैसे हमेशा हर ट्रांसफॉर्मर में ये फॉर्मूला 100% तो फॉलो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें खामियां होती हैं, बट आपके सिलेबस में आपको यही फॉर्मूला पकड़ना है, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, यानी इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उधर ई एम एफ या वोल्टेज ज्यादा। यहां से बड़ा आसान है, मैं आपसे बोलूं मुझे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना के दो, आप बोलोगे स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाना है, यानी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना है, यानी आउटपुट मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब ये जो बना रखा है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अगर आपको इस तरफ वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो इस तरफ वाइंडिंग बढ़ा दो, सिंपल। देखो ना ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए घर के आसपास वाला, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या होगा आप आउटपुट वोल्टेज कम चाहोगे, यानी ईएमएफ इन सेकेंडरी इज लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी, आउटपुट में कम है इनपुट में ज्यादा है, इनपुट कौन है प्राइमरी, प्राइमरी में ज्यादा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ये हो गया प्रिंसिपल, जब आपको स्टेप डाउन करना है यहां वोल्टेज कम चाहिए, यहां पे वाइंडिंग कम कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नोट करें, नोट करें, फिर बात करते हैं करंट की भी, थोड़ी सी बात करंट की करते हैं इसके बाद। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ये एक फॉर्मूला आप पकड़ के रखेंगे, क्या ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअल में क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर पार, यहां से यहां एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पावर का ट्रांसफर। तो अगर हम माने हमारे पास कोई 100% इफिशियंट ट्रांसफॉर्मर है, 100% इफिशियंट, तो उसमें जितना पावर का इनपुट होगा उतना ही पावर का आउटपुट होगा। हाँ, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल
नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मर आज की डेट में 99% तक इफिशियंट बनाए जा चुके हैं। इसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी धीमे धीमे बताएंगे। इसमें कोई एनर्जी लॉस मान में नहीं हो रहा। पावर इनपुट मतलब यहां पे, आउटपुट मतलब वहां पे। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वी इंटू आई। तो पावर इनपुट में आप लिख सकते हो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी करंट ऑफ प्राइमरी, वी आई वोल्टेज ही तो है, और यहां लिख सकते हो ई ऑफ सेकेंडरी आई ऑफ सेकेंडरी, वी आई। पावर का फॉर्मूला वी आई, वी ईएमएफ और। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज है कि ये जो वोल्टेज है वो सारे आरएमएस है, और जो करंट है वो भी आरएमएस। इस फॉर्मूले में ये आरएमएस करंट, ये आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। खैर, ये रखा आपने। यहां से एक फॉर्मूला आपको और मिला, ES by EP is equals to IP by IS। जरा ध्यान से देखो, ES by EP is equals to IP by IS, यानी EMF is inversely proportional to current। दिख रहा है? बड़ा आसान था, VI लगा दो, EP IP is equals to ES IS, है ना? एक तरह से E into I constant है इसका। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, पावर उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। आइडियल अगर है तो जितनी पावर इधर उतनी उधर चली गई। अब देखो, बड़ी एक चीज समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मर अगर, जैसे ये वाला, अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट को कम ही करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। भाई, एनर्जी का कंजर्वेशन भी तो फॉलो होना है, जादू थोड़ी ना हो रहा है कि वोल्टेज कम दिया तो बढ़ा दिए। किसी एक चीज का सेक्रीफाइस भी तो करोगे। तो आपने कहा कि हमें क्या चाहिए? वोल्टेज ज्यादा चाहिए। उसने कहा ले लो, पर करंट कम देंगे। समझ में आ रहा? तो आप जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट कम हो जाता है। सो इफ वी इंक्रीज वोल्टेज, करंट डिक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। तो अगर मैं अब एक कंबाइंड फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल्स टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी, इनके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही एक फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फॉर्मूला यही है, इसको नोट कर ले। न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूले पे मिलने वाले हैं। ये हमने क्या माना है? 100% इफिशियंट ट्रांसफॉर्मर, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में ये ट्रू नहीं होगा। हो गया? नोट कर लिया? चलिए एक सवाल करते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमको दिया, ये बोला प्राइमरी, ये बोला सेकेंडरी, यहां हमसे बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर 200। हमसे बोला यहां पे जो इनपुट हम दे रहे हैं वो इनपुट है 220 वोल्ट 10 एम्पियर। हमसे पूछा आउटपुट बताइए, कंसिडरिंग इट टू बी आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ही एक सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए जल्दी से, जल्दी से, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रही हैं तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, वोल्टेज डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। बड़ा आसान है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुए, ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, ईएमएफ डबल, ईएमएफ डबल हुआ तो करंट हाफ, खत्म। अरे फॉर्मूला लगा दो, ईएस बाई ईपी इज इक्वल्स टू एनएस बाई एनपी। ईएमएफ इन सेकेंडरी नहीं पता,
EMF in primary 220 volt, number of turns in secondary 200, number of turns in primary 100, कट गया ये EMF in secondary, यहां से मिल गया 220 × 2 = 440 volt. करंट चाहिए EMF in secondary, EMF in primary, करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी. ये तो क्लियर है ना कि करंट और EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल. भाई एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी, एनर्जी का तो कंजर्वेशन रहेगा. तो यहां से EMF in secondary अब आपको मिल चुका है शायद 440, EMF in primary 220, करंट इन प्राइमरी 10, करंट इन सेकेंडरी नहीं पता, ये कटा 2, करंट इन सेकेंडरी 10/2 5 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े, EMF बढ़ा, EMF बढ़ा तो करंट घटा. क्लियर हो गई बात, छोटा सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा आपको फील भी हुआ कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा. इसी को उल्टे तरह से देखो, अगर वोल्टेज घटाओगे तो करंट बढ़ जाएगा. हो गया. अच्छा मान लो कि कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो, ये भी पढ़ लो. मान लो कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो, कोई अपना प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, तो मुझे ये बताना कि क्या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे. कौन ज्यादा होगा? इनपुट ज्यादा होगा, आउटपुट कम होगा, कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाएगी. तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में पावर इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर आउटपुट. जितना दिया सारा का सारा यहां नहीं पहुंचा, कुछ लॉस हो गया. कैसे लॉस हुआ भी बताएंगे. यानी इस केस में आप बोलोगे EPIP इज ग्रेटर देन ESIS. तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी निकालने पर सवाल आ सकता है. इफिशियंसी भाई किसी भी चीज की इफिशियंसी ईटा क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100. तो लिख दो पार आउटपुट अपॉन पार इनपुट इनटू 100. एफिशिएंसी पार आउटपुट यानी ESIS, पार इनपुट यानी EPIP इनटू 100. अभी दोनों कटेंगे नहीं, काट दिया 100 एफिशिएंसी. यहां पे ये बड़ा है, एफिशिएंसी 100 से कम है. ठीक है, कैसे पता चलेगा? दिया रहेगा पेपर में. अगर दिया है 100% एफिशिएंट मान लो, तब तो ये फॉर्मूलेस लगा देना. नहीं दिया 100% एफिशिएंट, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड, ये वाला तभी वैलिड जब 100% एफिशिएंट, ये ऑलवेज, चाहे आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकल हो. और ये कब वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर. नोट कर ले. छाप लिया. तो अब ये बात आती है कि सर एनर्जी लॉस हुआ कहां? ये तो सॉफ्ट आयरन है, ये तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ले जाएगा इस तरफ, तो एनर्जी लॉस हुआ कहां? कहां चली गई एनर्जी? बताते हैं, कई फैक्टर्स हैं. नोट कर लिया, मिटा दें उधर का छापे पॉज करके. ओके, लिखिए हेडिंग लगाइए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर. एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स. एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स सबसे पहला एनर्जी लॉस है फ्लक्स लीकेज. फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज मतलब कि आप जो कह रहे हो ना कि यहां से जितना फ्लक्स चला उधर पहुंच गया, ये 100% ट्रू नहीं है. जरा इसको डायग्रामेटिकली समझ लो, नोट करो, फील आ जाएगा इस डायग्राम से आपको कि फ्लक्स लीकेज हो रहा है कि नहीं. चलो यहां पे हम प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं, कॉइल की हमने वाइंडिंग की प्राइमरी और यहां सेकेंडरी की. ये एक बात बताओ कि यहां पे आपने इनपुट वोल्टेज लगाया, ठीक है, और यहां पे करंट बना और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी. एक बात बताओ, अगर ये कॉइल है, अगर ये कॉइल, बच्चों अगर ये कॉइल है, यहां मान लो यहां पे एक कॉइल है ये, और इस कॉइल में मान लो करंट दौड़ रहा है,
अगर करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, करंट कैसे बना आपने ऐसे? अच्छा ऐसे बना देता हूँ, ये करंट, मान लो ऐसा करंट है किसी इंस्टेंट पे, वैसे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ऑल्टरनेटिव करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी ऊपर की तरफ। तो यार एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना लो, एक फिर ऐसे बनेगी, फिर एक ऐसे बनेगी, फिर एक ऐसे बनेगी, फिर एक ऐसे बनेगी। ये चीज तो आप यहाँ पे देख ही नहीं रहे हो, आप तो इसको आइडियल सोलेनोइड मान रहे हो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ऐसा तो है नहीं। क्या होगा एक्चुअल में? चलो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली गई माना, ये वाली भी चली गई माना, ये वाली भी मान लेते हैं चली गई, बट ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा? ये तो बाहर चली गई। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, कि यहां से फ्लक्स तो बना पर साहब वो यहां तक पहुंच नहीं पाया, ये भी है फ्लक्स लीकेज। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो आप कॉइल इसमें बांध रहे हो, जो वाइंडिंग कर रहे हो कॉपर वायर की, वो सर्कुलर है और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है, कुछ फील्ड लाइन ऐसे भी तो बनेगी, क्लोज होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये वाली जो है ये तो बाहर चली गई, ये तो यहां से यहां नहीं पहुंच पाई, तो ये एनर्जी का नुकसान हो गया। इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। इसको मिनिमाइज करने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लो, है ना। मिनिमाइज करने का तरीका है क्या करो आप? सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करो, जो कि ऑलरेडी हम कर रहे हैं। असल में पहले क्या करते थे इन लोग? स्टील का कोर यूज करते थे, अभी भी स्टील का भी यूज होता है, सॉफ्ट आयरन का भी होता है। सॉफ्ट आयरन में फायदा क्या हो रहा है आपको? कि सारा का सारा फ्लक्स ये अपने अंदर बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत लीकेज तो होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको, इवेड हटा नहीं सकते, तो मिनिमाइज करने का तरीका ही था सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बचा लेता है जितनी हो सकती है, जितनी हो सकती है, इसको भी ले जाने की कोशिश करेगा इसको भी, बट कुछ तो हमेशा लीकेज होगा, 0.001% लीकेज तो होगा ही, भले ही आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करो। चले बना लिया, नेक्स्ट बात करें एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में। चलो दूसरा लॉस है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। ये जो कॉपर का तार आपने गोल गोल घुमा के बांध दिया है, ठीक है, और एक बांध रहे हो, इतना तार यूज कर रहे हो, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये जो आप कॉपर का वायर यूज कर रहे हो प्राइमरी में और जो यूज कर रहे हो आप सेकेंडरी में, इस वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस होगा। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। कितना? आई स्क्वेर आर टी, यहां आर एम एस करंट लिखते हैं, आई स्क्वेर आर टी में एसी में आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, तो ये एनर्जी लॉस हमको हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको कैसे मिनी, ये तो होना ही होना है यार, तार यूज कर रहे हो, तार पे करंट है तो हीट तो होगा ही, तार अंदर इलेक्ट्रॉन धार धार लड़ाई तो करेंगे, एटम से लड़ेंगे, तो एनर्जी यहां पे लॉस तो होगी हीट के फॉर्म में। तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका होता है कि आप किसी भी तरह रेजिस्टेंस को डिक्रीज करो। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का पहला तरीका तो क्या था कि आपने कॉपर यूज कर लिया, बेस्ट कंडक्टर। दूसरा तरीका यह है कि आप थिक वायर यूज करो, मोटा तार यूज करो, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R is equals to rho L by A, दिख रहा है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना थिक वायर यूज करोगे उसका एरिया उतना ज्यादा और रेजिस्टेंस उतना कम। बट यार ये बहुत अच्छी चीज नहीं है यार, थिक वायर महंगे मिलते हैं, घर के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा थोड़ी ना होता जितना हम बोर्ड बना रहे हैं और घर के बाहर देखा बड़ा सा, और उसमें मोटा तार कॉपर का ला के बांध दिया, इधर भी उधर भी, पैसा भी तो जा रहा है किसका? हम ही लोग को तो जा रहा है, जो टैक्स दे रहे हो, बिजली का बिल जो दे रहे हो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपका पैसा भी तो जा रहा है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है कि थिक वायर ही बांध देते हैं, चलो इधर भी थिक बांध दिया, इधर भी थिक, काम बन गया, नहीं। इसमें दिमाग लगाया जाता है, थिक वायर उसी तरफ बांधो जिस तरफ करंट ज्यादा है। देखो जिस तरफ करंट ज्यादा होगा उधर एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगा, सो थिक वायर ऑन दैट साइड वेयर करंट इज हाई,
जिधर करंट कम है उधर तो अपने आप एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। भाई करंट का स्क्वायर है, कोई छोटी चीज का स्क्वायर करोगे और छोटा, समझ रहे हो? करंट का स्क्वायर है ना एनर्जी लॉस में। मान लो एक तरफ करंट कम है, एक तरफ करंट है 0.5 एम्पीयर और एक तरफ करंट है मान लो 5 एम्पीयर, तो इस तरह तो 0.5 का स्क्वायर होके अपने आप एनर्जी लॉस कम हो रहा है, तो इधर जरूरत ही नहीं है थिक वायर बांधने की। अरे इतना ढेर सारा वायर वेस्ट होगा, पैसा उसमें ही जा रहा है सीधा सीधा, पैसा भी तो बचाना है। तो जिधर करंट ज्यादा है, इधर 5 एम्पीयर था, 5 एम्पीयर का स्क्वायर 25, तो इधर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा, उस तरफ आप थिक वायर बांधते हो। बांधने को दोनों तरफ बांधो, हमें दिक्कत नहीं, अच्छा है दोनों तरफ थिक बांधो, दोनों तरफ रेजिस्टेंस कम हो जाए, पर पैसा भी तो बर्बाद होता है। तो थिक वायर उस तरफ लेते हैं वेयर करंट इज हाई। जैसे स्टेप अप की बात करो, स्टेप अप में यहां वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम, स्टेप अप अगर लें तो यहां वोल्टेज ज्यादा करंट कम, यानी यहां पे करंट ज्यादा होगा, तो स्टेप अप में प्राइमरी, स्टेप अप के केस में, स्टेप अप के केस में प्राइमरी, स्टेप डाउन की बात करो, डाउन में इधर वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा, तो फिर इस तरफ थिक, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी, ठीक है? ये सब एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड में भी और छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में भी, जेईई में तो नहीं पूछेगा, इधर उधर के जो कॉम्पिटिशन उसमें पूछ सकता है कि स्टेप डाउन में कौन सा वाइंडिंग थिक करते हैं। ये याद रखना, थिक वाइंडिंग उस तरफ होगी जिस तरफ करंट ज्यादा है, बस इसके बाद सब आप कर लोगे। थिक वाइंडिंग उस तरफ जिस तरफ करंट, जब करंट ज्यादा होने से हीट लॉस ज्यादा था तो हमने कहा रेजिस्टेंस कम कर लेते हैं थिक वाइंडिंग से। स्टेप अप में इधर वोल्टेज ज्यादा सेकेंडरी में तो करंट कम, तो ये प्राइमरी का करंट ज्यादा तो प्राइमरी, स्टेप डाउन में वोल्टेज यहां कम तो यहां करंट ज्यादा, ठीक है? चलिए ये भी होना ही होना, इसको भी आप हटा नहीं सकते 100% कभी भी। सुपर कंडक्टर ले आओ हाँ, उसका पैसा कौन देगा? इतने ट्रांसफॉर्मर जो गली कूचे में रखते हैं रोज उड़ा देते हो कटिया मार के कचा। तीसरा, तीसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? अब ध्यान से देखो तो यहां पे जो करंट यूज हुआ है वो अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अब जब करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। कंटिन्यूअसली चेंज होगा कि एक बार होगा? अरे भैया कंटिन्यूअसली अल्टरनेटिंग एक सेकंड में अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करता रहा है? 100 बार। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इंडिया के करंट की बात करें, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, एक सेकंड में करंट अपना डायरेक्शन 100 बार टुर 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 टुर, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड खचक 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 खचक, एक बार ऊपर, अरे भाई एक बार करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड खुचुर ये बनी, अगली बार करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड खुच ऐसे बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है। इन सब में पिसेगा बेचारा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर लगातार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अरे बाप रे बाप, यानी कंटिन्यूअसली सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज इन ओरिजिनल डायरेक्शन चलता रहेगा। यानी यहां पे आप देखोगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन स्लैश डीमैग्नेटाइजेशन डैश रीमैग्नेटाइजेशन किसमें? इन अपोजिट सेंस। ये कहानी चलती रहेगी, और मैंने आपको बताया इस कहानी में एनर्जी लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, याद है? ये हिस्टेरेसिस कर्व हमने पढ़ा था, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा था मछली जैसा, यहां पे आई यहां पे एच, हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस तब ज्यादा होता है जब एरिया ऑफ लूप ज्यादा हो। एनर्जी लॉस होगा कि नहीं लगातार? मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज रीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, एक बार इधर मैग्नेटाइज हुआ फिर जीरो हुआ मैग्नेटाइजेशन, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज, फिर जीरो हुआ, फिर अपोजिट, करंट लगातार चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है।
तो ये एनर्जी लॉस बचाने के लिए हम क्या करते थे कि एनर्जी लॉस जो होता था इसका वो प्रोपोर्शनल होता था एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप के, इसका एरिया जितना कम हो उतना बढ़िया काम बनेगा। अब इसका एरिया हमने देखा सबसे कम किसके लिए होता था, सॉफ्ट आयरन के लिए, है ना, तो इसीलिए वी यूज सॉफ्ट आयरन। तो वही बता रहे थे कि पहले स्टील भी इस्तेमाल करते थे ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए, पर स्टील में ये एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा था, हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, सॉफ्ट आयरन का ऐसे नहीं बनता, सॉफ्ट आयरन का बहुत पतला सा, हिस्टेरेसिस लॉस उसका बहुत है। मैंने हिस्टेरेसिस पे वीडियो कर रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप करेंगे हिस्टेरेसिस फिजिक्स वाला, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन का ये लूप बहुत पतला सा होता है, वेरी थिन, इस वजह से सॉफ्ट आयरन में जो आईएच कर्व होता है इसमें बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज रीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज रीमैग्नेटाइज एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर विच हैज वेरी स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस क्योंकि उसका एरिया ऑफ लूप कम होता है, ये हो गया हिस्टेरेसिस लॉस। इसलिए आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में स्टील का इस्तेमाल करें कि सॉफ्ट आयरन का, स्टील का कि सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का, स्टील का एरिया बहुत ज्यादा होता है, स्टील भी तगड़ा मैग्नेटिक मटेरियल है, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर चिपका के भेज सकता है, वो भी फेरोमैग्नेटिक है, वो भी फ्लक्स को एकदम पूरा चिपका के प्राइमरी सेकेंडरी भेज देगा, पर स्टील यहां पर आके मात खा जाएगा, स्टील ना परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, एक बार एक तरफ मैग्नेटाइज हो ना हम दूसरी तरफ ना जाएंगे, मैग्नेटाइज हो गए जिद्दी टाइप का है। ये ठीक है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज रीमैग्नेटाइज एनर्जी लॉस नहीं करते, और स्टील का वही जो पहला ग्राफ था वो स्टील का था मोटा सा, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा, क्लियर है, हिस्टेरेसिस लॉस इसमें कम है। कोई पूछे स्टील यूज करोगे कि सॉफ्ट आयरन, तो बोलोगे सॉफ्ट आयरन, बुझ भी सकता है, स्टील एंड सॉफ्ट आयरन आर बोथ परमानेंट, बोथ फेरोमैग्नेटिक, स्टील एंड सॉफ्ट आयरन आर बोथ फेरोमैग्नेटिक, यानी दोनों ही फ्लक्स को चिपका के इधर से उधर ले जा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं भागने देते हैं, फेरोमैग्नेटिक है, तगड़े मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पकड़ के रखते हैं। बट स्टील को इस्तेमाल करने में नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जिद्दी है, फिर उसे डीमैग्नेटाइज करने में बहुत एनर्जी खराब होगी, तो आपकी इफिशियंसी खराब होगी। बेटा नोट कर लें, चलिए इसके बाद जो आखिरी तरह का हमारा एनर्जी लॉस है वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, अब ये क्या चीज है, देखो जैसे जैसे आपका करंट चेंज होगा वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है, करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, बताओ करंट कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार, करंट चेंज होगा तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कंटिन्यूअसली, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली, और फराडे ने कहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, तो यहां पे ना इंड्यूस्ड ईएमएफ दो चीजों में मिलेंगे। आई रिपीट, आपने अल्टरनेटिंग करंट लगाया प्राइमरी में चेंज हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जूम 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 चेंज हो रही है, जिस वजह से फ्लक्स हाँ बढ़ेगा घटेगा, करंट बढ़ता घटता भी तो है अल्टरनेटिंग चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा दो चीजों में, एक तो ईएमएफ इंड्यूस होगा वाइंडिंग्स में, और सिंपल भाषा में कॉपर के वायर में जो बांध रखा है आपने, और एक ईएमएफ इंड्यूस होगा मटेरियल ऑफ कोर में यानी सॉफ्ट आयरन में। ये क्या है, ये इंड्यूस ईएमएफ वहां पे करंट प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ से क्या बनेगा, रुक जाओ
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली विच प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ विच प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट. एक यहां भी बना इंड्यूस करंट और एक यहां भी बना. बोलो यहां तक क्लियर हुआ? लगातार आपको अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा, ठर ठर ठर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लगातार जूम जूम चेंज हो रही, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा, जिससे इंड्यूस्ड करंट. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ दो चीजों में बनेगा, एक तो कॉपर के वायर में, जो कॉपर के कॉइल्स आपने बांध रखे हैं उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, और एक मटीरियल ऑफ कोर में से भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा. उसकी भावना कोई समझ ही नहीं आ रहा है. जो मटेरियल है, जो कोर का डब्बा है, उसके अंदर से भी तो फ्लक्स लगातार चेंज, उसमें से फ्लक्स पहले ज्यादा गया फिर कम गया, तो उसकी भी तो फीलिंग है मटेरियल की. तो उस मटेरियल में जब ईएमएफ चेंज होगा तो उसमें भी करंट इंड्यूस होगा. इस वाले करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, जो लगातार उसके कोर में चेंज हो रहा है. ये सर्कुलर नेचर के होते हैं, सर्कुलर नेचर के. जैसे मान लो ये हमारी कोर है, जब आप इसमें लगातार अल्टरनेटिंग करंट चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इस कोर के अंदर कुछ ऐसे सर्कुलर करंट्स फॉर्म होने लगेंगे, और ये करंट 3D में बनेंगे. कोर तो मोटी सी है, कोर तो ऐसे आपने एक लिए ना, 3D में अंदर भी जा रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा है, कुछ करंट अंदर जा रहा है, अंदर जाके सर्किल बना रहा है, कुछ करंट बाहर आ रहा है, बाहर आके सर्किल बना रहा है. नहीं समझे, ऐसे जैसे मान लो कोर आपने ऐसे पकड़ी थी, तो करंट ऐसे भी सर्कुलर बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है. समझ रहे हो? एक इस टाइप का, ये यहां से अंदर गया, यहां से बाहर, ऐसे इस कोर में अंदर बना. तो इस तरह के कुछ एडी करंट बनेंगे. अब इससे क्या होगा, इन एडी करंट की वजह से, इन एडी करंट्स की वजह से, ये बताओ कोर मटेरियल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? कोर मटेरियल रेजिस्टेंस, भाई कोर जो भी है, सॉफ्ट आयरन की स्टील जिसकी बने, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. एडी करंट को मान लेते हैं चलो आईई, रेजिस्टेंस ऑफ कोर को मान लेते हैं आरसी. तो यहां पे भी लगातार एनर्जी लॉस होने लगेगा इन फॉर्म ऑफ हीट. कितना? आईई स्क्वायर आरसी इंटू टी. ये करंट कॉपर के वायर का नहीं है, ये करंट किसमें है? कोर के अंदर बन रहा है. कोर के लिए भी तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही, तो कोर के मटेरियल के अंदर एक एडी करंट बनने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. फैराडे लॉ से ही बना ये भी. और ये कैसे है? सर्कुलर नेचर है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे, अंदर 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 अंदर, पूरा 3D में बन रहे हैं. एडी करंट किसमें बन रहा? 3D में बन रहा, बड़ा बड़ा लूप, लार्ज सर्कुलर लूप्स, है ना, एडी करंट्स, लार्ज लूप्स, बड़े बड़े करंट के लूप बन रहे हैं. और उससे क्या होगा? कोर मटेरियल कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो एनर्जी लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट. आई स्क्वायर आर सी इंटू टी. नोट करें, नोट करें, नोट करें, फिर इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग. नोट करें, छाप लिया, पॉज करके नोट कर लें. ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? आप समझ रहे हो कहानी क्या हुई? अल्टरनेटिंग करंट था, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो इंड्यूस ईएमएफ एक तो कॉइल में बना और एक कोर के मटेरियल में, जिसकी वजह से जो करंट बना वो एडी करंट. अब इसको मिनिमाइज करने का तरीका है कि एक तो ऐसा कोर लो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो उसके लिए भी सॉफ्ट आयरन बेस्ट चॉइस होता है. सब मिला के ही देखा गया है, सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे ना आपको, हिस्टेरेसिस भी देखना पड़ेगा, फ्लक्स लीकेज भी चेक करना पड़ेगा, सब मिला के सॉफ्ट आयरन बेस्ट सूटेड था. उसको अब हम चेंज, जितना रेजिस्टेंस सबसे कम मिलना था वो सॉफ्ट आयरन में ही मिला, बाकी किसी में अगर रेजिस्टेंस कम मिल भी रहा तो साथ में वो फ्लक्स लीकेज वाले पार्ट को खराब कर रहा, या साथ में वो हिस्टेरेसिस बहुत ज्यादा लॉस कर रहा, तो ओवरऑल आप मटेरियल तो अब नहीं चेंज कर रहे हो. सॉफ्ट आयरन इज द बेस्ट चॉइस. सॉफ्ट आयरन में सब कुछ है, सॉफ्ट आयरन बढ़िया फेरोमैग्नेटिक भी है कि मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखता है, सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लॉस भी कम है और उसका रेजिस्टेंस भी लो है. अब हमारे पास मिनिमाइज करने का तरीका है, आप किसी तरह से एडी करंट को कम कर दो, आप एडी करंट को रिड्यूस करो.
तो एडी करंट को रिड्यूस करने का तरीका होता है कि आप लैमिनेटेड कोर यूज करो, लैमिनेटेड कोर्स विथ इंसुलेटिंग लिक्विड इन बिटवीन। समझाते हैं, आप एक मोटी कोर मत लो, आप प्लेट्स लेना स्टार्ट कर दो। ये मैंने एक प्लेट ली, प्लेट क्या है, एक प्लेट समझ लो, लैमिना है, लैमिनेटेड एक लैमिना है। लैमिना मतलब होता है कोई टू डी मटेरियल। आपने एक प्लेट ले ली, ठीक है, इसके पीछे एक और प्लेट रखो, उसके पीछे एक और प्लेट, प्लेट प्लेट प्लेट, और सारी प्लेट्स को मिलाकर आप एक मोटा कोर बनाओ। आप एक थ्री डी कोर मत चूज करो, आप क्या करो, खूबे सारे टू डी कोर ले लो, खूबे सारे टू डी प्लेट्स ले लो, और सारी प्लेट्स को समझ गए ना, जैसे कॉपी होती है, किताब होती है, एक पेज सब चिपका दो तो मोटी सी कॉपी हो गई। तो ये कह रहे हैं एक बार में मोटा समझ लो, अलग अलग पेज ले लो, प्लेट्स ले लो, सॉफ्ट आयरन की ऑफकोर्स, आप सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर बनाओ, लेमिनेटेड मतलब लैमिनास बनाओ सारे प्लेटफॉर्म, और सबको चिपका दो, और क्या करो कि हर दो लैमिना के बीच में इंसुलेटिंग फ्लूइड डाल दो। अब इससे क्या होगा, अब इससे जो एडी करंट बनेगा वो 2D बनेगा। इसका एडी करंट पीछे वाली प्लेट में जा नहीं सकता, क्योंकि दो प्लेट के बीच में अपन ने क्या लगा दिया है, इंसुलेटिंग फ्लूइड, यानी एडी करंट की जो इफेक्टिव पाथ है वो छोटी हो गई। अब जो भी एडी करंट बनेगा वो इस प्लेट का इसी में बनेगा। अब एडी करंट थ्री डायमेंशन तो जा नहीं सकता, ये वाला एडी करंट अब पॉसिबल नहीं है, कौन सा 3D वाला, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। अब यहां जितना भी एडी करंट बनेगा सब 2D। तो ओवरऑल लिखोगे क्या एग्जाम में, इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीजेस। समझ रहे हो कि नहीं, अब ये वाला एडी करंट पॉसिबल नहीं कि अंदर जाए, क्योंकि दो लैमिनास के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में आपने इंसुलेटिंग मटेरियल डाल रखा है। जो भी एडी करंट है वो इसके छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे, छोटे छोटे पाथ। इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीजेस, दस एनर्जी लॉस डिक्रीजेस। तो ये तरीका था एडी करंट वाले को टैकल करने का, क्या यूज करो आप, लैमिनेटेड कोर्स, यहां प्लेट के फॉर्म में यूज करके खुबे सारी प्लेट लेके एक के पीछे एक लगाते जाओ। तो ये थे एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, उसका मिनिमाइजेशन, और पूरा ट्रांसफार्मर का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।